हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक, डेट इज प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट क्या होता है? प्रेशर बेल्ट बताता है वर्ल्ड में हॉरिजॉन्टली प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको ज्योग्राफी को समझना है, ज्योग्राफी विच इज स्टडी ऑफ अर्थ, उसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर चार एस्पेक्ट है, लैंड का एस्पेक्ट विच इज़ नोन एज लिथोस्फीयर, वाटर का एस्पेक्ट विच इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर, एयर का एस्पेक्ट विच इज़ नोन एज एटमोसफियर और क्लाइमेट, एंड फोर्थ डेट इज़ लाइफ विच इज़ बायोम। फिजिकल ज्योग्राफी को आपको समझना है, उसके लिए आपको क्लाइमेट को समझना पड़ेगा। क्लाइमेट वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है ज्योग्राफी का, और ये बाकी फैक्टर ऑफ ज्योग्राफी के अंदर जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है। क्लाइमेट को समझना होगा तो क्लाइमेट के अंदर तीन कंपोनेंट होता है, एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड एयर मॉइस्चर। ये समझने के लिए आपको टेम्परेचर बेल्ट एंड प्रेशर बेल्ट का प्रॉपर नॉलेज चाहिए। टेम्परेचर बेल्ट प्रेशर बेल्ट दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर वन, लोकेशन। से अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली कोई पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, वो डिटरमाइन करेगा दिल्ली कौन से टेम्परेचर बेल्ट और प्रेशर बेल्ट के इन्फ्लुएंस में है। एंड नंबर टू, मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ के मूवमेंट की वजह से दो मूवमेंट होता है, एक अर्थ का रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे जिसके वजह से डे एंड नाइट फिनोमिनन होता है, और दूसरा रेवोल्यूशन होता है जिसके वजह से समर एंड विंटर का फिनोमिनन होता है। सो लोकेशन of any place on earth surface and movement of earth will determine temperature belt and pressure belt. Temperature belt, pressure belt will influence climate of any region. Climate will determine physical geography, and proper understanding of physical geography will be helpful in understanding of geography. So that's why ये important है, इसको हम discuss करते हैं। प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन दो फैक्टर की वजह से होता है, वन है थर्मल फैक्टर, अनदर है डायनामिक फैक्टर। डायनामिक फैक्टर डेट इज रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, एक रोटेशन उसका कंप्लीट होता है 24 आवर्स में जिसके वजह से डे एंड नाइट का फिनोमिनन होता है। थर्मल फैक्टर, सन से रेडिएशन अर्थ सरफेस पे फॉल होता है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस का हीटिंग होता है। सो थर्मल फैक्टर सन के हीटिंग की वजह से होगा, डायनामिक फैक्टर अर्थ के रोटेशन की वजह से होगा। जैसा आपको पता है, अर्थ एक परफेक्ट स्पीयर नहीं है, अर्थ का जियोइड शेप है। सेंटर में जहाँ पे इक्वेटर है उस जगह पे अर्थ बल्ज है, तो ये इक्वेटर है, इसका लैटिट्यूड डेट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। सो अर्थ बल्ज है इक्वेटर पे, पोल पे वो कंप्रेस है। ये नॉर्थ पोल डेट इज 90 डिग्री नॉर्थ, ये है साउथ पोल डेट इज 90 डिग्री साउथ। सो अर्थ बल्ज है इक्वेटर पे एंड अर्थ कंप्रेस्ड है पोल पे। ये क्यों है तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं बाद के लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा क्यों इक्वेटर पे बल्ज है एंड क्यों पोल पे वो कंप्रेस है, बट अभी फॉर अ टाइम बिंग आप इतना इसको समझो। अब बिकॉज ऑफ दिस शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर डिफरेंट प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन होता है। इक्वेटर जो आगे मैंने ड्रॉ किया था, नॉर्थ पोल डेट इज 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल डेट इज 90 डिग्री साउथ। ये सन है, सन का मैक्सिमम रेडिएशन इक्वेटर पे फॉल होगा, सन का मिनिमम रेडिएशन पोल पे फॉल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे। जब मैक्सिमम सनलाइट इक्वेटर पे फॉल हो रहा है, मिनिमम सनलाइट पोल पे फॉल हो रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप यहाँ पे देखो, सन और इक्वेटर के बीच में डिस्टेंस कम है,
सन और पोल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर मैं ऐसा कहूँ, सन से 100 किलो कैलोरी एनर्जी रेडिएट हो रहा है फॉर एग्जांपल, बट क्योंकि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कम है इक्वेटर पे, तो लॉस जस्ट 10 किलो कैलोरी का हो रहा है, तो मैं 90 किलो कैलोरी अर्थ सरफेस पे फॉल होगा। बट अगर मैं पोल पे देखूँ तो 100 किलो कैलोरी सन से एनर्जी रिलीज हो रहा है, बट से 60 किलो कैलोरी का लॉस हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही एटमॉस्फेरिक लॉसेस होगा, लाइक रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन या दूसरे ऑप्टिकल फिनोमिनन अकर होंगे। तो यहाँ पे जस्ट 40 किलो कैलोरी एनर्जी ही फॉल हो पाएगा अर्थ सरफेस पे। सेकंड पोल पे यहाँ पे स्नो का फॉर्मेशन है, आइस का फॉर्मेशन है, ग्लेशियर का फॉर्मेशन है, जिसका अल्बेडो बहुत हाई होता है। तो अल्बेडो मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सनलाइट जब नॉर्थ पोल पे फॉल होगा, वहाँ से मैक्सिमम सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज उसका अल्बेडो हाई है, बट वो इक्वेटर पे नहीं है, क्योंकि इक्वेटर पे तो ऐसा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है। तो इमेजिन करो, 100% सनलाइट फॉल हो रहा है पोलर रीजन पे, 90% रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया, तो सिर्फ 10% ही यहाँ पे बच जाएगा हीटिंग के लिए, बट इक्वेटर पे पूरा का पूरा 100% फॉल होगा। तो ये सेकेंड रीज़न है। थर्ड रीज़न, सनलाइट जब इक्वेटर पे फॉल हो रहा है वो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट रेडिएशन कम एरिया में स्प्रेड होता है, क्योंकि वो कम एरिया में स्प्रेड है तो ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ हीटिंग करेगा। यहाँ पे सनलाइट पोल पे फॉल हो रहा है वो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड है, तो क्योंकि ये स्लैंटिंग रेडिएशन है, अगर ये ज़्यादा एरिया में स्प्रेड है तो ये कम हीटिंग करेगा। ये सेम है जैसे स्कूल में जब हम थे, हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे, मैग्नीफाइंग लेंस को लेके हम सनलाइट में जाते थे एंड देन पेपर पे हम उसको कंसंट्रेट करते थे, तो सनलाइट मैग्नीफाइंग लेंस पे फॉल होगा, मैग्नीफाइंग लेंस सोलर रेडिएशन को कंसंट्रेट करके पेपर पे लेके आएगा एंड पेपर का बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर ऐसे मैं पेपर को लेके दौड़ते रहूँ सनलाइट में, तो उसके थ्रू कभी उसका बर्निंग नहीं होगा। तो थ्री रीज़न है जिसकी वजह से इक्वेटर पे सनलाइट मैक्सिमम फॉल होता है। रीज़न नंबर वन, इक्वेटर क्योंकि बल्ज है, जिसकी वजह से सन और इक्वेटर के बीच में डिस्टेंस कम है, ऐसे रिजल्ट कम एटमॉस्फेरिक लॉसेस होता है। सेकेंड, सन रेज इक्वेटर पे डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट की वजह से मिनिमम एरिया में स्प्रेड है एंड इंटेंसिटी ऑफ हीटिंग ज़्यादा है। पोलर रीजन पे स्लैंटिंग है, सो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड है, इंटेंसिटी ऑफ हीट कम है। एंड थर्ड, पोलर रीजन पे स्नो का फॉर्मेशन है और ग्लेशियर का फॉर्मेशन है, जिसका अल्बेडो हाई होता है, एंड हाई अल्बेडो की वजह से रिफ्लेक्शन होता है, बट इक्वेटर पे ऐसा किसी भी स्नो का फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से इस फिनोमिनन की वजह से इक्वेटर पे, ये है नॉर्थ पोल विच इज 90 डिग्री नॉर्थ, ये है साउथ पोल विच इज 90 डिग्री साउथ, इक्वेटर पे मैक्सिमम सनलाइट फॉल होगा, जिसकी वजह से हीटिंग होता है, और हीटिंग की वजह से इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर 0 डिग्री है, इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ यहाँ पे लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है, और उस लो प्रेशर को इक्वेटोरियल लो कहते हैं। क्यों इक्वेटोरियल लो? क्योंकि इक्वेटर के आसपास फॉर्मेशन हुआ, और लो मीन्स लो प्रेशर, हम प्रेशर बेल्ट को देख रहे हैं। अब ये लो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसको आप ऐसे समझो, से आइस है मेरे पास, आइस को मैं हीट करता हूँ, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को मैं हीट करता हूँ, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, वाटर वेपर गैस है। जैसे जैसे मैं बॉडी को हीट करूँगा, उसका स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर। आइस के अंदर मॉलिक्यूल्स क्लोजली अटैच है, क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्लोजली अटैच होता है। हीट मैंने दिया तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया,
लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। सो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच होते हैं, फर्दर मैंने हीट प्रोवाइड किया और वेपर का फॉर्मेशन होगा जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में अटैचमेंट नहीं होता। तो आइस, वाटर, वाटर वेपर। अब सिंपल वे है, मेरे पास 1 kg आइस है और 1 kg वाटर वेपर है, उन दोनों को मैं थ्रो करके किसी को मारता हूँ तो इम्पैक्ट आइस का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आइस के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं और वो मेरे को जब हिट करेगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, बट वाटर वेपर का उतना नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स स्कैटर है, मॉलिक्यूल्स स्प्रेड है। तो जैसे आप बॉडी को हीट करते हो उसका डेंसिटी कम हो जाता है। अब डेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन है, किसी भी जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है वो डिटरमाइन करेगा डेंसिटी। डेंसिटी होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, डेंसिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो ये आपको देगा मास। मास को आप एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हर जगह पे डिफरेंट होता है। इक्वेटर पे मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स है, पोल पे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर इसके बारे में और आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का वीडियो हमने रिकॉर्ड करके डाला है, आप उसके बारे में देख सकते हैं जहाँ पे मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ये हो जाएगा वेट, और वेट अपॉन यूनिट एरिया ये हो जाएगा प्रेशर। सो डेंसिटी इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सो हीटिंग की वजह से डेंसिटी कम होता है तो प्रेशर भी कम होना चाहिए। डेट्स वाई इक्वेटर पे लो प्रेशर है, सनलाइट इक्वेटर पे फॉल होता है, फॉल होने की वजह से यहाँ पे एयर का हीटिंग होता है, और एयर का जब हीटिंग हो गया तो एयर अपवर्ड मूव करेगा। अब मैं आपको इसको इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। एक फायर को हमने इग्नाइट किया है, फायर जब जलता है तो उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होता है और स्मोक ऊपर की तरफ मूव करता है। क्यों? क्योंकि वो गैसियस कंपोनेंट है और फायर का जो सॉलिड कंपोनेंट है ऐश वो तो ग्राउंड पे ही रह जाता है, तो सॉलिड कंपोनेंट ग्राउंड पे रह गया बट गैसियस कंपोनेंट ऊपर गया क्योंकि वो लाइट हो गया। तो इक्वेटर पे मैक्सिमम सनलाइट फॉल होगा जिसकी वजह से हीटिंग होगा, वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उसका डेंसिटी कम हो जाएगा और वो वहाँ से ऊपर की तरफ मूव करके जाएगा। तो ये जो एरो मैंने ग्लोब के बाहर बनाया हुआ है ये ऊपर की तरफ है, तो 3D तो हम इसमें बना नहीं सकते, तो डेट्स वाई हमने बाहर की तरफ बनाया है। तो ग्लोब के बाहर जो भी एरो है वो वर्टिकल मोमेंट्स बता रहा है। तो इक्वेटर के पास लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है, ये थर्मल फैक्टर की वजह से है, मैक्सिमम हीटिंग की वजह से है। इसका उल्टा पोल पे होता है, पोल पे मिनिमम सनलाइट फॉल होगा क्योंकि मिनिमम सनलाइट फॉल हो रहा है तो पोल पे कूलिंग होगा, कूलिंग की वजह से मटेरियल का डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और जब किसी भी चीज़ का डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है तो अर्थ का ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल करता है, तो पोलर रीजन पे हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ पे मटेरियल का डेंसिटी हाई हो गया। सो सारा का सारा मटेरियल पार्टिकल्स यहाँ पे आ रहा है तो इस जगह पे हाई प्रेशर का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि ये पोलर रीजन है तो इसको हम पोलर हाई कहते हैं। सो पोलर हाई का फॉर्मेशन होगा 87.5 degree नॉर्थ टू 90 degree नॉर्थ, इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, 87.5 degree साउथ टू 90 degree साउथ इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये दो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ, इक्वेटोरियल लो एंड पोलर हाई, इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ है थर्मल फैक्टर की वजह से, सोलर हीटिंग की वजह से और सनलाइट जहाँ पे कम फॉल हुआ वहाँ पे कूलिंग की वजह से। अब दूसरा फिनोमिनन देखते हैं, इक्वेटोरियल लो पे एयर राइज हो रहा है, एयर राइज हो रहा है, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता, ये है अर्थ का सरफेस, तो एयर राइज होता इस जगह से मैं कहूँगा इसको ये लोकेशन ए है। अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता तो एयर ए से राइज होता, जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगा ट्रोपोस्फियर में वहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट होगा,
जब भी हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो हम ट्रोपोस्फियर के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे वेदर फिनोमिनन ट्रोपोस्फियर में अकर होता है। ओनली एक वेदर फिनोमिनन वो अकर होता है स्ट्रेटोस्फियर में, वो भी पार्शियली ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर में, डेट इज जेट स्ट्रीम। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक फिनोमिनन अकर होगा ट्रोपोस्फियर में। सो ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे एयर अपवर्ड मूव करेगा विथ एवरी इंक्रीज इन हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, टेम्परेचर विल डिक्रीज बाई 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। सो एयर अभी वेपर के फॉर्म में है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते उसका टेम्परेचर कम हो गया, एक टाइम पे वो आइस में कन्वर्ट हो गया और फिर नीचे आएगा। अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता तो एयर जहाँ पे राइज होता एयर वहीं पे फॉल होता। से एयर राइज हो रहा है लोकेशन ए पे, एयर फॉल होगा लोकेशन ए पे ही, बट अर्थ तो रोटेट कर रहा है। अर्थ जब रोटेट कर रहा है तो तीन पैरामीटर हमें इसमें लेना पड़ेगा अर्थ के रोटेशन में। एक, अर्थ का रोटेशनल स्पीड क्या है, दूसरा अर्थ का रोटेशनल डायरेक्शन क्या है, एंड थर्ड अर्थ का रोटेशनल डायामीटर क्या है। सो अर्थ रोटेट कर रहा है, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन, एंड व्हाट इज द डायामीटर ऑफ अर्थ रोटेशन, ये तीन को हमें लेना पड़ेगा। इसको हम कंसिडर करें, दिस इज लोकेशन ए, एयर राइज हो रहा है लोकेशन ए पे, बट एयर किसी और जगह पे जाके फॉल होगा। से वो फॉल होगा लोकेशन बी पे, और लोकेशन बी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तीन फैक्टर पे, अर्थ का रोटेशनल स्पीड, अर्थ का रोटेशनल डायरेक्शन एंड अर्थ का रोटेशनल डायमीटर। सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ द एयर विच इज राइटिंग एट ए विल फॉल एट सम अदर प्लेस, दैट इज बी। ए को मैं कंसिडर कर रहा हूँ इक्वेटोरियल लो। फिर से हम अपने पुराने डायग्राम पे जाते हैं। इक्वेटोरियल लो पे मैक्सिमम सनलाइट फॉल होता है, जिसके वजह से एयर का हीटिंग होगा और एयर का अपवर्ड मूवमेंट होगा। ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगा उसका कूलिंग होगा और फिर एयर का डेंसिटी इंक्रीज होगा और कहीं पे फॉल होगा। अर्थ अगर रोटेट नहीं कर रहा होता तो एयर जो इक्वेटोरियल लो पे राइज हो रहा है इक्वेटोरियल लो पे ही फॉल होगा, बट अर्थ तो रोटेट कर रहा है तो एयर जो राइज हो रहा है इक्वेटोरियल लो पे वो फॉल होगा कहीं और पे। अब ये जगह कौन सा है जहाँ पे एयर फॉल होता है, तो ये है 25 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेम वे में साउदर्न हेमिस्फीयर। अब क्यों ये 25 डिग्री नॉर्थ आया, क्योंकि अर्थ का कुछ रोटेशनल स्पीड होगा, अर्थ का कुछ रोटेशनल डायरेक्शन होगा और अर्थ का कुछ रोटेशनल डायमीटर होगा। अगर ये तीनों कुछ और होता तो मे बी कुछ और ये वैल्यू आता। सपोज करो अर्थ का रोटेशनल स्पीड हायर होता तो 25 के बदले 35 आता, बट ये तीनों को हम कंसिडर करते हैं, हम उसके मैथमेटिकल वैल्यू में नहीं जाते हैं, तो उसके हिसाब से आ रहा है 25 डिग्री नॉर्थ। सो अर्थ रोटेट कर रहा है इसलिए एयर जो इक्वेटोरियल लो पे राइज कर रहा है वो कहीं और फॉल होगा और वो कहीं और है 25 डिग्री नॉर्थ। 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास यहाँ पे हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होगा, डेट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होगा। क्यों हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे एयर एंटर हो रहा है। जब एयर किसी जगह से लीव करेगा तो वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, एयर जब किसी जगह पे एंटर करेगा वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा। जैसे एक रूम में अभी 10 लोग हैं और उस रूम में 20 लोगों को और मैं ऐड कर देता हूँ, ज़्यादा लोग रूम में ऐड हो गए तो अब रूम पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज ज़्यादा लोगों को ऐड किया, डेंसिटी इंक्रीज़ हुआ, मास इंक्रीज़ हुआ, एंड देन सो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। सेम वे साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा, 25 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ। टेम्परेचर बेल्ट एक कंसेप्ट है ज्योग्राफी में, और वो टेम्परेचर बेल्ट कहता है, मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, इक्वेटर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं,
23.5 डिग्री साउथ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्टिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल, 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, 90 डिग्री साउथ डेट इज साउथ पोल। रीजन लाइंग बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ डेट इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन और टोरिड रीजन। यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। रीजन लाइंग बिटवीन 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ इट इज नोन एज पोलर रीजन और फ्रिजिड जोन। सेम साउदर्न हेमिस्फीयर में पोलर और फ्रिजिड जोन। रीजन जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है इसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। सो 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल रीजन, मैक्सिमम सनलाइट, मैक्सिमम टेम्परेचर, 66.5 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ पोलर और फ्रिजिड जोन जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर होता है, और उन दोनों के बीच में जो रीजन है वो टेम्परेट रीजन है। अब ये हमने समझा, हाई प्रेशर का फॉर्मेशन हुआ है बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ। ये रीजन ट्रॉपिकल रीजन में तो आ नहीं रहा है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन 23.5 टू 23.5 होता है, बट ये ट्रॉपिकल रीजन के क्लोज है इसलिए हम इसको सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं। सब मतलब क्लोज, जैसे क्रिकेट के अंदर सब्स्टिट्यूट है तो 11 प्लेयर जो मैच खेल रहे हैं, जो 12th मैन है जब कोई इंजर्ड हो जाएगा तो हम उसको बुलाएंगे। तो क्योंकि ये रीजन ट्रॉपिकल रीजन के पास है इसलिए हम इसको सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं। सेम साउदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई रीजन। तो सब ट्रॉपिकल हाई का फॉर्मेशन जो ब्लू कलर से मैंने इंडिकेट किया है डायनामिक फैक्टर की वजह से उसका फॉर्मेशन हुआ। अब एक और प्रेशर बेल्ट बाकी रह गया हमारा, ये है इक्वेटर, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। इक्वेटर पे से मैं डायमीटर कंसिडर कर रहा हूं 100 किलोमीटर और पोल पे मैं कंसिडर कर रहा हूं 1 किलोमीटर। अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है और 1 रोटेशन अर्थ का है डेट इज़ इन 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है। इक्वेटर के स्पीड को देखूं तो स्पीड ऑफ इक्वेटर SE से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो डेट विल बी 100 किलोमीटर इन 24 आवर। 24 आवर्स में इक्वेटर ने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया। पोल पर मैं देखता हूँ तो ये है 1 किलोमीटर इन 24 आवर्स। यहाँ पे टाइम तो सेम है, 24 घंटे में इक्वेटर 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है बट उतने ही टाइम पे पोल 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ स्पीड ऑफ इक्वेटर विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ पोल। इक्वेटर का स्पीड ज़्यादा है पोल से एट अर्थ सरफेस। नाउ एटमोसफियर के अंदर क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ा अलग वे में हो रहा है। ये है इक्वेटर, ये है पोल। इक्वेटर पे 100 किलोमीटर और पोल पे 1 किलोमीटर। नाउ इमेजिन करो एयर रोटेट कर रहा है इक्वेटर के आजू बाजू, एयर रोटेट कर रहा है पोल के आजू बाजू। तो जब भी कोई बॉडी रोटेट करता है दो टाइप का फोर्सेस पिक्चर में आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लूँ तो पेरिफेरी से मटेरियल पार्टिकल्स वो सेंटर में आता है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लूँ तो वो आउटवर्ड की तरफ जाता है। तो जब कोई बॉडी रोटेट करता है तो दो टाइप का फोर्स प्रोड्यूस होता है, वन इज सेंट्रीपिटल अनदर इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर और रेडियस जिस बॉडी के आजू बाजू वो रोटेट कर रहा है। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट पोल डेट विल बी पोल का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोल का रेडियस।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट इक्वेटर, डेट इज वेलोसिटी एट इक्वेटर एंड रेडियस एट इक्वेटर। नाउ मास यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने एज्यूम किया कि 1 kg मास ऑफ एयर वो रोटेट कर रहा है इक्वेटर के आजू बाजू, 1 kg मास ऑफ एयर वो रोटेट कर रहा है पोल के आजू बाजू। नाउ इमेजिन करो इक्वेटर के आजू बाजू 1 kg ऑफ एयर रोटेट कर रहा है और उसका रोटेशनल स्पीड है 1 km/h। तो इक्वेटर के आजू बाजू एक रोटेशन कंप्लीट होगा 100 hr में, क्योंकि ये तो 100 km का डिस्टेंस है, पोल पे वो ख़त्म होगा 1 hr में। तो जब तक इक्वेटर पे एयर का एक रोटेशन कंप्लीट होगा उतने ही टाइम में पोल पे 100 रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पोल का तो डायमीटर कम है। डेट्स वाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट पोल इज मच मोर ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट इक्वेटर। सो एयर विच इज रोटेटिंग अराउंड इक्वेटर, एयर विच इज मूविंग अराउंड पोल, सो इसके लिए रिवोल्यूशन वर्ड यूज करना प्रॉपर होगा। सो एयर विल रोटेट रिवॉल्व एट हायर स्पीड, हायर स्पीड एट पोल कंपेयर टू इक्वेटर। सो एयर के अंदर पोल पे ज़्यादा स्पीड से एयर रोटेट कर रहा है और अर्थ सरफेस पे इक्वेटर है। सो इससे ज्योग्राफी का एक थंब रूल है, जो भी अर्थ सरफेस पे फिनोमिनन होता है उसका ऑपोजिट फिनोमिनन एटमॉस्फेयर में अकर होगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट पोल इज हायर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट इक्वेटर। नाउ इन ओरिजिनल डायग्राम पोल के ऊपर एयर रोटेट कर रहा है एट वेरी हाई स्पीड, तो एट सम लैटिट्यूड यहाँ पे एयर आउटवर्ड मूव करेगा, बाहर की तरफ जाने का ट्राई करेगा। जब एयर बाहर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे लो प्रेशर का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि एयर जब एंटर होता है तो हाई प्रेशर, एयर जब बाहर की तरफ जाता है डेट इज़ लो प्रेशर। ये जहाँ पे होता है डेट इज़ 45 degrees नॉर्थ टू 66.5 degrees नॉर्थ, सेम थिंग साउदर्न हेमिस्फीयर में 45 degrees साउथ टू 66.5 degrees साउथ लो प्रेशर है। पोलर रीजन इन टेम्परेचर बेल्ट वो था 66.5 degrees नॉर्थ टू 90 degrees नॉर्थ, तो ये पोलर रीजन तो नहीं है बट पोलर रीजन के पास है, तो डेट इज सब पोलर रीजन। तो सब पोलर लो का फॉर्मेशन होता है 45 to 66.5 degrees के बीच में। तो ये चार प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ, इक्वेटोरियल लो, पोलर हाई जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है ये थर्मल फैक्टर की वजह से है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इक्वेटोरियल लो हीटिंग की वजह से, पोलर हाई कूलिंग की वजह से, सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो ये डायनामिक फैक्टर की वजह से हुआ, अर्थ के रोटेशन की वजह से, ये बिट टेक्निकल है। अब प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ तो हमें इसके साथ विंड को भी कनेक्ट करना है, तो उसको हम समझते हैं। एयर का मोमेंट तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक है प्रेशर डिफरेंस, एक रीजन है हाई प्रेशर का, दूसरा रीजन है लो प्रेशर का। सो एयर मूव करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। सो एयर का मोमेंट पहला प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, सेकंड वो डिपेंड करेगा कोरोलिस फोर्स के ऊपर, एंड थर्ड वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर। ये क्या है इसको हम समझते हैं। वन, प्रेशर डिफरेंस। ये एक रीजन है हाई प्रेशर का, दूसरा रीजन है लो प्रेशर का, तो एयर का मोमेंट होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर का मोमेंट होगा। यहाँ पे हाई प्रेशर है 1000 pascal, पास्कल यूनिट है, यहाँ पे है 400 pascal, तो एयर का मोमेंट होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाई प्रेशर को थोड़ा और इंक्रीज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने इंक्रीज़ करके कर दिया 1200 pascal, और ये 400 pascal ही है। तो अब यहाँ पे एयर का मोमेंट
इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले जो डिफरेंस था इन दोनों के बीच में 600 पास्कल का डिफरेंस था, अब वो डिफरेंस इंक्रीज होके 800 पास्कल हो गया है। तो एयर का मोमेंट, एयर का इंटेंसिटी वो डिपेंड नहीं करता है कि प्रेशर का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, वो डिपेंड करता है दो रीजन के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना है। अब मैं दूसरे वे में प्रेशर को डिक्रीज कर सकता हूँ, इसको मैं 200 पास्कल कर दूंगा और इसको मैं एज इट इज 1000 पास्कल ही रखता हूँ। अगेन प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा 800 पास्कल। सो प्रेशर डिफरेंस आप इंक्रीज कर सकते हो आइदर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर रीजन और डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ लो प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन का प्रेशर आप इंक्रीज करते हो, उसकी वजह से अगर प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है उसको हम पुश फैक्टर कहते हैं। लो प्रेशर रीजन है उसका प्रेशर आप डिक्रीज करते हो और उसकी वजह से प्रेशर ग्रेडिएंट इंक्रीज होता है, उसको हम पुल फैक्टर कहते हैं। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर ये कहता है कि आइदर दो जगह के बीच में प्रेशर डिफरेंस को इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं आइदर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर रीजन और डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ लो प्रेशर रीजन। डेट इज़ अ पुश इफेक्ट और पुल इफेक्ट। सो पुल इफेक्ट हाई प्रेशर रीजन का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, पुल इफेक्ट लो प्रेशर रीजन का प्रेशर डिक्रीज करते हैं। तो दिस इज प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस और प्रेशर ग्रेडियंट के बीच में क्या डिफरेंस है? ये हाई प्रेशर रीजन है, ये लो प्रेशर रीजन है। हाई प्रेशर रीजन है 800 पास्कल पे, लो प्रेशर रीजन है 200 पास्कल पे। इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है 600 पास्कल, बट इन दोनों रीजन के बीच में लोकेशन का डिफरेंस है डेट इज से 100 किलोमीटर। तो हाई प्रेशर वाला रीजन ए है, लो प्रेशर वाला रीजन बी है और इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मैं प्रेशर ग्रेडियंट कहूँगा 600 पास्कल डिवाइडेड बाई 100 किलोमीटर, तो डेट विल बी 6 पास्कल बाई किलोमीटर। तो प्रेशर ग्रेडियंट ये कहता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर पर डिस्टेंस। प्रेशर डिफरेंस जस्ट डिफरेंस ऑफ प्रेशर है। तो पहला, एयर का मोमेंट डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर और प्रेशर डिफरेंस के ऊपर। सेकंड, वो डिपेंड करता है कोरोलिस फोर्स के ऊपर। अर्थ का रोटेशन होता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा और ये डिफ्लेक्शन अर्थ के ऊपर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको डिफ्लेक्ट करेगा। डेट कैन बी बर्ड्स, डेट कैन बी ह्यूमन बीइंग, डेट कैन बी एयर मूवमेंट, डेट कैन बी वाटर मूवमेंट, सबको डिफ्लेक्ट करता है। सो कोरोलिस फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ डिफ्लेक्टिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड विच विल कॉज डिफ्लेक्शन इन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सर्फेस। इसका इंटेंसिटी होता है मैग्नीट्यूड, डिपेंड करेगा साइन ऑफ लैटिट्यूड के ऊपर, से साइन ऑफ 0 डिग्री डेट इज 0, साइन ऑफ 90 डिग्री डेट इज 1। तो आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओ, कोरोलिस फोर्स का इंटेंसिटी इंक्रीज होता है। तो कोरोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है। कोरोलिस फोर्स की वजह से एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सर्फेस उसका डिफ्लेक्शन होता है, बट डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा? सो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट में डिफ्लेक्ट हो जाता है, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज कोरोलिस फोर्स। थर्ड आता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन एक इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं है, से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट 100 किलोमीटर पर आर। फ्रिक्शन उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा और इसके स्पीड को कम करके 80 किलोमीटर पर आर कर देगा। तो फ्रिक्शन एक इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं है, वो एक रेजिस्टिव फोर्स है और जब कोई बॉडी मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो इस नॉलेज को यूज़ करके अब हम देखते हैं कैसे विंड बेल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो चार प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब एयर का मूवमेंट चार तरीके से होता है। विंड एयर का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, एयर करंट उसका वर्टिकल मूवमेंट है, जेट स्ट्रीम सर्कुलर मूवमेंट है, साइक्लोन
एंटी साइक्लोन, तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो एयर का मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, तो सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो, पोलर हाई टू सब पोलर लो। तो ये एयर का मूवमेंट हुआ। एयर का मूवमेंट डिपेंड करता है तीन फैक्टर के ऊपर, तो एक तो प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट हो रहा है। सेकंड वो डिपेंड करेगा कोरोलिस फोर्स के ऊपर, तो कोरोलिस फोर्स ये कहता है एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो है वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एयर का मूवमेंट जो सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो के बीच में होता है उसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यूसली मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन देखो, ये ओरिजिनेट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। कोई भी विंड जिस डायरेक्शन से ओरिजिनेट होता है वहीं से हम नेम करते हैं। तो सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच में जो विंड का मोमेंट है उसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट होता है। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा, तो ये ग्रीन वाला उसका एक्चुअल डायरेक्शन है, तो इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड को हम ईस्टर्ली भी कहते हैं क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट होता है। अब सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो, तो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट होगा, तो क्योंकि ये वेस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है इसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये इसका डिफ्लेक्टेड डायरेक्शन हुआ, तो ये हो गया वेस्टर्लीज। एंड देन पोलर हाई से सब पोलर लो, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसको हम कहेंगे ईस्टर्लीज, क्योंकि ईस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है। सेम यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे ईस्टर लीस। तो ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, ये हमारा विंड बेल्ट है। तो इस डायग्राम के अंदर हमने देखा प्रेशर बेल्ट, तो हमारे पास चार प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, सब पोलर लो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, एंड पोलर हाई सेम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऑल टुगेदर सेवन प्रेशर बेल्ट। देन विंड बेल्ट, तीन टाइप का विंड बेल्ट है हमारे पास, एक ट्रेड विंड, सेकेंड वेस्टर्लीस एंड थर्ड ईस्टर्लीस, तीन टाइप का विंड बेल्ट है। अब इस डायग्राम में एक और चीज़ हम देखेंगे, इक्वेटोरियल लो से जो एयर राइज कर रहा है मूव करके सब ट्रॉपिकल हाई पे फॉल होता है, एंड देन फिर वहाँ से ट्रेड विंड के फॉर्म में फिर से इक्वेटोरियल लो पे आता है। तो एयर का मूवमेंट बिटवीन सब ट्रॉपिकल हाई एंड इक्वेटोरियल लो एक सेल बनाता है जिसको हम हेडली सेल कहते हैं। तो आप वर्टिकल इसका प्रोजेक्शन देखना, इक्वेटोरियल लो से एयर राइज होता है, सब ट्रॉपिकल हाई पे फॉल होगा, एंड देन सब ट्रॉपिकल हाई से ट्रेड विंड की तरफ मूव करेगा। सब पोलर लो एंड सब ट्रॉपिकल हाई के बीच में जो एयर का मूवमेंट है उसको हम फेरल सेल कहते हैं, इसको हम फेरल सेल कहते हैं। एंड सब पोलर लो एंड पोलर हाई के बीच में है इसको हम पोलर सेल कहते हैं। तो तीन हमारे पास सेल का फॉर्मेशन हुआ, हेडली सेल नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में, फेरल सेल एंड पोलर सेल, इनका फॉर्मेशन हुआ। तो तीन सेल का फॉर्मेशन हुआ, डेट इज हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। तो ये पूरा प्रेशर बेल्ट है। तो इसके इस लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इसके रिलेटेड अगर कुछ आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।